महिलाएं आई थी तब आप भी वहां पर मौजूद थे, ये क्या वही महिला है जो वहां पर पहुंची है या ये कोई दूसरी महिला है? जी बिल्कुल, चूंकि पीछे से ही वो दिखाई दिया, लेकिन उनका जो दुपट्टा था वो वही लग रहा था जो पहले आई थी, तो ये निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि वो वही महिला हैं जिन्होंने अपना नाम बताया था और आपने सुना भी था, संभवतः परवीन नाम बताया था, लेकिन आपने ही बताया था, तो वो अभी अंदर गई हैं, ये शाइस्ता परवीन है या नहीं है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल उनको अंदर जाने दिया गया है और वो होंगी इसकी उम्मीद कम है क्योंकि वो 50,000 की इनामी हैं और फरार हैं, ऐसे में या तो वो सरेंडर करेंगी। लेकिन कौन है वो महिला, लग ऐसा ही रहा है कि वो जरूर या तो बहुत करीबी है या जैसा वो कह रही थी हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी वो इस कॉल्विन अस्पताल की भी हो सकती है, वो अतीक अहमद और अशरफ के वहां जो वो रहते हैं वहां की भी हो सकती है, या हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बार फिर से रवि, हम दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज पर हर तस्वीर लगातार हम पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट उन तक पहुंचा रहे हैं और सबसे पहले और जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहे हैं, एक के बाद एक अब रिएक्शंस भी आने लगेंगे, जैसे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के इस पूरे के पूरे कांड के बाद अब ट्विटर पर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया है, वो आपको बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मैं आपको बस वार्न करना चाह रही हूँ कि ये तस्वीरें जो हैं वो विचलित करने वाली जरूर है, लेकिन ये शूटर जो तस्वीर को साफ दिखा रही है, ये शूटर नंबर दो आपके सामने है और शूटर नंबर एक जो है वो दनादन फायरिंग करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो माफिया, अतीक के माफिया वर्ल्ड का दी एंड ऐसे होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अतीक और अशरफ की हत्या मीडिया कर्मियों के सामने, उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने इस तरीके से तीन सिरफिरे आकर कर जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था और ये कोई नहीं जानता था। पुलिस वहां पर मूक दर्शक बने, बस इन हत्यारों को देखती रही, हत्या को अंजाम देने के बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब जरा रुक करते हैं रविकांत का, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस मौके पर है, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और जो मौके पर मौजूद इन्वेस्टिगेशन करने वाले तमाम टीम है वो आपको दिखाई दे रही है और ठीक उसके आगे रविकांत स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रविकांत, इस वक्त का पूरा माहौल क्या कर्फ्यू नुमा है या फिर वहां पर अभी प्रयागराज में जैसे ही ये खबर फैली है लोग वहां आने लगे हैं, पुलिस कैसा बंदोबस्त करे हुए है? देखिए, पुलिस का बंदोबस्त तो ऐसा है कि कॉल्विन हॉस्पिटल के सामने एक चौड़ी सड़क है और उस पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है, काफ़ी करीब एक किलोमीटर की सड़क है, एक किलोमीटर की सड़क पर कोई आम आदमी नहीं आ सकता है, सिर्फ अधिकारी आ रहे हैं, मीडिया कर्मी आ रहे हैं और यहां से पुलिस की जो टीमें हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, एक टीम पहले निकलती हुई दिखाई दी थी और एक अभी आपसे बात करते हुए एक टीम और निकलती हुई मुझे दिखाई दी है, तो यानी जो यहाँ पर पुलिस है वो लगातार हरकत में है, न सिर्फ यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, बल्कि पुलिस का जो प्लान है वो यहाँ से बाहर भी लगातार टीमें जा रही हैं और कुछ टीमें आ भी रही हैं, तो हलचल लगातार पुलिस की ओर से जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो क्राइम सीन है उसको चिन्हित करने के लिए लगातार पिछले करीब आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और यहाँ पर जो चिन्हित करने का काम है वो लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो करीब 5 लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी आते हैं और निर्देश देते हैं और ये जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती भरी घड़ी है और पुलिस के ऊपर बहुत सारे आरोप आ रहे हैं और पुलिस किसी भी तरीके से किसी सबूत में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और यहाँ सबूत इतने ज़्यादा हैं कि उन सबको रीअरेंज करना, उसको अरेंज करने का एक चुनौती है ताकि वो जो प्रूफ यहाँ पर मौजूद है उस प्रूफ के ऊपर वो अपनी जो इस घटना को कोर्ट में पेश करेंगे, तो कोर्ट के में जाने से पहले पुलिस पूरी तरीके से मजबूत हो जाना चाहती है, क्योंकि जब कोर्ट में जाएंगे तो शायद उनसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब वो जो पुलिस देगी उसके लिए उसके पास काफ़ी सबूत होने चाहिए, यहाँ पर सबूत
काफ़ी ज़्यादा दिखाई भी दे रहे हैं, तो पुलिस इन सबूतों को बहुत ठीक से अरेंज कर रही है ताकि वो अब इस केस में किसी भी तरीके से फंसने ना पाए। हालांकि जो एक मोटे तौर पर पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है वो निश्चित रूप से लगता रहेगा कि इतनी पुलिस के बीच में कैसे ये क्राइम हो गया, क्या पुलिस को अंदाज़ा नहीं था। जाहिर सी बात है ये कोई मानेगा नहीं कि अतीक और अशरफ जैसे माफिया के ऊपर अटैक हो सकता है, ये पुलिस को अंदाज़ा नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से रहा होगा। उसके बावजूद ये घटना कैसे घट गई, इलाहाबाद का प्रयागराज के खास हिस्से में सुबह से ही भारी तादाद में पुलिस दिखाई दे रही थी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।